सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के रिजल्ट को लेकर की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी जी की तरफ से क्लास 10 के रिजल्ट को लेकर जो है उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि क्लास 10 का रिजल्ट जो है आखिरकार कब जारी होगा। जैसे की बात करें तो बीते कुछ दिनों से आप लोग के काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्लास 10 का रिजल्ट कब आएगा। क्लास 10 के छात्रों का रिजल्ट को लेकर चिंतित इसलिए भी है क्योंकि क्लास 10 का रिजल्ट की बात करें तो एग्जाम्स जो है आपके अप्रैल में ही कैंसिल हुए थे। पूरा अप्रैल छात्र वेट कर चुके हैं, पूरा मई छात्र वेट कर चुके हैं, अब आप जाके हम इंटर कर गए हैं जून में। तो ऐसे में सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 रिजल्ट को लेकर कुछ भी अपडेट नहीं आ रहे थे। इसी बीच सीबीएसई बोर्ड के सेक्रेटरी जो अनुराग त्रिपाठी जी से जो है मीडिया ने सवाल पूछा कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का रिजल्ट कब आएगा, तो उसको मैं जानिए सीबीएसई बोर्ड के परीक्षाओं को लेकर रिजल्ट को लेकर जो है आपके सीबीएसई बोर्ड के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी जी का क्या कहना है। सीबीएसई बोर्ड के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी ने थर्सडे को जो है मीडिया से बात करते हुए क्लास 10 के रिजल्ट को लेकर उन्होंने बस इतना ही कहा कि क्लास 10 का रिजल्ट को हम जल्द से जल्द जारी कर देंगे, लेकिन चिंताएं है क्लास 10 के छात्रों का, उन छात्रों का खासकर सबसे ज्यादा चिंता है जिन्हें जो है दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का रिजल्ट जब तक नहीं आता तब तक एडमिशन जो है क्लास 11th में छात्रों का नहीं हो पाएगा। खासकर हम उन छात्रों की बात कर रहे हैं जिनका स्कूल 10 तक ही है और उन्हें 11th में एडमिशन लेना है, या जिनका स्कूल 12 तक तो है लेकिन जो उन्हें स्ट्रीम चाहिए वो स्ट्रीम उनके अपने स्कूल में नहीं मिल रहा है जिसके कारण उन्हें दूसरे स्कूल में 11th में एडमिशन लेना है। तो ऐसे में इन स्कूलों का प्रॉब्लम काफी है और ये स्कूल जो है तब तक ये छात्र अपनी पढ़ाई को शुरू नहीं कर पाएंगे जब तक इनका 11th में एडमिशन नहीं हो जाता है, जब तक इनके जो स्ट्रीम है इनको नहीं मिल जाती। तो ऐसे में क्लास 11 के छात्रों को लेकर जो है सीबीएसई बोर्ड के सेक्रेटरीज ने कहा कि आपका रिजल्ट को हम जल्द से जल्द अनाउंस करेंगे, लेकिन डेट को लेकर उन्होंने भी बात नहीं किया। यानी क्लास 10 के रिजल्ट को लेकर डेट की बात इसलिए भी अनुराग त्रिपाठी जी ने नहीं कहा क्योंकि क्लास 10 के रिजल्ट को लेकर जैसे कि सीबीएसई बोर्ड ऑलरेडी क्लियर कर चुकी है कि क्लास 10 का रिजल्ट जो है आपका 20 जून को नहीं आएगा। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट पहले आपका 20 जून को आना था लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने ये डेट को एक्सटेंड कर दिया था। जैसे कि बात करें तो 20 जून के डेट को एक्सटेंड करके उन्होंने जुलाई कर दिया था। सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों के रिक्वेस्ट पर जो है ये डेट को बढ़ाया गया था। स्कूलों का कहना था कि हमें रिजल्ट प्रिपेयर करने के लिए और भी समय चाहिए, तो समय दिया गया था जिसके वजह से आपका स्कूल जो है वो 30 जून तक टाइम दिया गया है। यानी कि हम जिस मंथ में इंटर कर चुके हैं ये जून का मंथ है, जून के मंथ को लेकर मैं आपको क्लियर कर दूं, आपका जून में रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड नहीं देगी क्योंकि लास्ट जून तक जो है आपका पूरा मंथ जो है स्कूलों को टाइम दिया गया है आपका इवोल्यूशन को, मार्क्स को सबमिट करने का। क्लास 10 का जो रिजल्ट प्रिपेयर हो रहा है तो आपके मार्क्स जो सबमिट करेंगे पूरा जून होगा। तो ऐसे में आपका रिजल्ट को लेकर यहां पे एक मात्र जो है आपको डिटेल ये सीबीएसई बोर्ड ऑफिशियली कंफर्म कर रही है कि क्लास 10 का रिजल्ट जो है आपका जुलाई में आएगा, यानी कि बिफोर 10 जुलाई जो है आपका क्लास 10 का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। तो छात्र जो पूछ रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, तो ऐसे में उनको मैं अगेनली क्लियर कर दूं कि आपका रिजल्ट जुलाई में ही आएगा क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के सर्कुलर के मुताबिक जिस देश भर के स्कूलों को जो टाइम दी गई है वो 30 जून आपका जो है पूरा जून आपको दी गई है उनके इवोल्यूशन यानी मार्क्स को सबमिट करने का। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड आपका जो है 2-3 दिन 4 दिन जो टाइम लेगी वो आपके मार्क्स को अपलोड करने में, वेबसाइट पे अपलोड करके रिजल्ट को प्रिपेयर करने में लेगी। उसके बाद आपका मार्क्स जो है आपको विथिन यानी कि बिफोर 10 जुलाई आपका रिजल्ट को अनाउंस कर दिया जाएगा। पढ़ाई के दौरान किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया है तो घबराइए नहीं, डाउट नॉट है ना। आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उसकी सिंपली एक फोटो क्लिक करिए, फोटो खींचने के बाद आपको उस क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए, 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा डाउट नॉट पे वीडियो सॉल्यूशन। चाहे वो आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र या किसी अन्य बोर्ड का हो, सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा डाउट नॉट पे। क्लास 6-12 के क्वेश्चन हो, आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, या फिर आपके क्वेश्चन फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डॉट नॉट ऐप पर। साथ ही आप डॉट नॉट पे पढ़िए कोटास के टॉप फैकल्टीज जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के साथ, यानी अब आपकी हर पढ़ाई होगी डॉट नॉट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डॉट नॉट ऐप पे, तो आप भी डाउनलोड करिए डॉट नॉट। क्लास 10 के छात्रों का जो प्रॉब्लम है पूरी तरीके से जायज है क्योंकि देश के स्टेट बोर्ड की बात करें तो देश के कई सारे स्टेट बोर्ड है जिन्होंने क्लास 10 का रिजल्ट जो है ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। देश के कई सारे स्टेट जो है जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड के बाद जो है एग्जाम कैंसिल किया, एटलीस्ट उन्होंने भी जो है, यानी कि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ने भी क्लियर कर दिया कि हम 15 जून से पहले ही जो है इसी मंथ जो है हम क्लास 10 का रिजल्ट को अनाउंस कर देंगे। तो ऐसे में सीबीएसई बोर्ड के छात्रों का जो है सबसे लंबा टाइम जो है इवोल्यूशन में लगने वाला है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं हम बात कर रहे हैं अप्रैल में ही कैंसिल हुई थी। अप्रैल पूरा हम क्लास 10 के छात्र इंतजार कर चुके हैं, मई पूरा इंतजार कर चुके हैं, अब जून भी आ गया है तो जून भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, तो जाके जुलाई, ये देखिए कितना मंथ का गैप जो है सीबीएसई बोर्ड आपका रिजल्ट को प्रिपेयर करने में ले रही है। ये तब की बात कर रहे हैं हम जब सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 की परीक्षाएं हुई नहीं, और जब परीक्षाएं होती तो उसके बाद तो पता नहीं कि आपका रिजल्ट कब आता। तो छात्रों का प्रॉब्लम ये भी है कि उनका जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक वो एडमिशन नहीं ले पाते, और साथ ही साथ प्रॉब्लम यहां पे सबसे ज्यादा क्रिएट वहां पे प्रॉब्लम हो रही है कि जो
स्कूल जो है ऑलरेडी अभी 11th की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि देश के कई सारे स्कूल, आपको ये पता होगा कि देश के कई सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिन्होंने 11th की पढ़ाई ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, यानी कि जिनका स्कूल 12th तक है, 10th के छात्र जो है वो पास होने के बाद जब उनका रिजल्ट तो आएगा ही आएगा लेकिन उसी स्कूल में आएगा, इस वजह से वो 11th तो है उसी स्कूल में पढ़ने वाले हैं, तो ऑलरेडी जो है कई सारे स्कूल जो है 11th की पढ़ाई ऑनलाइन ले रहे हैं बच्चों का, तो ऐसे में वो 2 महीने जो है यानी जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक वो 2 महीने प्रॉपर जो है अपनी पढ़ाई 11th का करेंगे, काफी सिलेबस भी उनका आपका आगे चले जाएगा, और उन छात्रों को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है जिनका 10th तक स्कूल था और उन्हें 11th में एडमिशन लेने के लिए दूसरा स्कूल में जाना पड़ेगा, और दूसरे स्कूल में तब तक एडमिशन नहीं होगा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाएगा। प्रॉब्लम उन छात्रों को होगा जिनका स्कूल 12th तक तो है लेकिन उन्हें जो सब्जेक्ट चाहिए वो अपने स्कूल में नहीं मिल रही, इसलिए उन्हें दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा 11th में, जिसके कारण जो है उन्हें इंतजार करना पड़ेगा रिजल्ट तक। और प्रॉब्लम उन छात्रों को भी हो रही है जिनका स्कूल जो है 12th तक तो है लेकिन वो है 10th के बाद जो है वो अपने स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते, वो देश के किसी अच्छे स्कूलों में 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहां पर उनको जाने के लिए तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक आपका 10th का मार्कशीट आपका नहीं आ जाती, रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता। तो काफी सारी प्रॉब्लम है, और जिनकी 11th की पढ़ाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है स्कूलों में उन छात्रों को तो है थोड़ा सा कम प्रॉब्लम होगा क्योंकि ऑलरेडी वो 2 महीने आगे चलेंगे इन छात्रों से, तो ये सिलेबस का भी काफी सारा यहाँ पे दिक्कत होने वाला है जब रिजल्ट में इतना ज्यादा डिले होगा। और सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का रिजल्ट जो है जुलाई में ही आएगा, बिफोर 10 जुलाई, तो ऐसे में छात्रों को अभी भी लंबा अरसा जो है आपको इंतजार करना पड़ेगा। स्टेट बोर्ड जो है समय समय पर अपने रिजल्ट को डिक्लेयर कर रही है और सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को जुलाई तक वेट करना पड़ेगा आपको जब तक रिजल्ट आपका नहीं आ जाता। तो क्लास 10 के छात्रों को लेकर आपके भी कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में इस तरीके से पूछ सकते हैं, आपके जो डेडिकेटेड कई सारे कमेंट्स होते हैं तो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से इस तरीके से क्लियर कर देता हूं, और भी कई सारे टॉपिक्स होगी आपको तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपको नीचे कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। और साथ ही साथ कोई डेडिकेटेड वीडियो आप लोग चाहते हैं किसी टॉपिक पे तो आप लोग नीचे जरूर से कमेंट करिएगा। और वहीं फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, और ये अनाउंसमेंट जो होगा इसमें क्वेश्चन मैं पूछूंगा, इस क्वेश्चन का जवाब वही छात्र दे पाएंगे मुझे पता है जो लास्ट तक वीडियो देखा होगा, तो यानी कि इसका सवाल जो है जवाब जो है आपको सिंपली यस या नो में देना है, तो नीचे हर एक छात्रों को कमेंट करना है जिन्होंने लास्ट तक वीडियो को देखा है। और ये जो सवाल है काफी सिंपल है, जैसे कि आपको पता होगा आपने 10th के एग्जाम आपने दे दिए हैं, आपके एग्जाम कैंसिल हो गए हैं ये बेशक की बात है, लेकिन 10th आपका कंप्लीट हो चुका है, आपको इंतजार करना है रिजल्ट को लेकर, तो जो है कई सारे छात्र जो है गवर्नमेंट जॉब्स के इंटरेस्टेड है, यानी कई सारे छात्रों का एक एम है कि मैं आगे जाके जो है 10th के बाद या 11th के बाद या 12th के बाद जो है आगे चल के जो मैं अपनी पढ़ाई करूं उसमें जो है मैं गवर्नमेंट जॉब का मेरा मेन मोटिव है, मैं पुलिस बनना चाहता हूं, मैं एयरफोर्स में जाना चाहता हूं, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, ये कई सारे गवर्नमेंट जॉब, तो आप कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं उनको 10th के बाद ये मालूम ही नहीं होता कि मैं 10th के बाद भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता हूं, 12th के बाद भी कर सकता हूं, तो इसके लिए यानी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो है एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैं आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करने वाला था, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि 10th के बाद कौन सी पोस्ट आपकी निकली है जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 10th के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन वीडियो होगी। तो अगर आप लोग जो है इस तरीके से वीडियोस में यानी सीरीज को स्टार्ट करने के बारे में नीचे यस लिखते हैं तो मैं आपको इसको जल्द से जल्द सीरीज स्टार्ट करूंगा, इसमें आपको बताऊंगा कि 10th के बाद जो है आप लोग कौन सी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 10th के बाद भी आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो नीचे यस जरूर लिखिएगा। तो अभी किस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वहीं चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, तभी किस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।